कमलेश, कितने दिन बाद बात हो रही है, कैसा है तू? और भाभी कैसी है, कैसे याद किया? अरे चुप हो जा, बोला जा रहा है। भाभी बोलने नहीं देती क्या? जो मौका मिला तो छूटती ट्रेन की तरह चालू हो गया। दोनों दोस्त कमलेश और निमित हंस पड़े। निमित कमलेश का बचपन का दोस्त था, लेकिन दूसरे शहर में बसने के वजह से मिलना तो होता नहीं, पर बात कभी कभार हो जाती है। लेकिन जब भी बात होती कोई शिकवा शिकायत नहीं, बस एक दूसरे की खिंचाई बातें और ठहाके। कमलेश ने निमित को अपनी बेटी की शादी का न्योता देने के लिए फोन किया था। काफी देर बातें करने के बाद फोन रखते हुए निमित जी अपनी पत्नी को आवाज दी, बिंदु इधर आना। बिंदु, अरे कहाँ हो, क्या हुआ जी? रसोई से हाथ पोछते हुए आते हुई बिंदु जी बोली, सुबह सुबह रसोई में ही मिलूंगी। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की लगभग हर औरत सुबह सुबह रसोई में ही मिलती है। अरे बाबा छोड़ो, सुनो, कमलेश का फोन आया था, उसकी बिटिया की शादी तय हो गई है, अगले महीने शादी में जाना है। अरे वाह, कितनी जल्दी बड़ी हो गई, पिछली बार देखी थी तो कितनी छोटी थी, समय कैसे निकल जाता है ना? किससे तय हुआ, लड़का क्या करता है, शादी एक शहर में ही हो रही है या दूसरे शहर में? बिंदु जी एक सांस में ही पूछ डाली। निमित जी बोले, बताता हूँ, पहले एक बात, कमलेश 5 लाख की मदद मांग रहा था, कह रहा था शादी निपट जाए तो 1 साल के अंदर दे दूंगा, आपके बचपन के दोस्त है, आपको मदद करना भी चाहिए, पता है दहेज पूरे 30 लाख कैश ले रहे हैं लड़के वाले। हाँ अब क्या करे, थोड़ा उदासी भरे स्वर में बिंदु जी बोली, तुम्हें तो सस्ते में अच्छा लड़का मिल गया था, इंजीनियर लड़का, बड़े शहर में अच्छी सैलरी वाला लड़का तुम्हें सिर्फ 12 लाख में मिला है, सोच कितना सस्ते में निपट गए मेरे ससुर जी। बिंदु जी सुन चुप हो गई, ये तो आए दिन की बात थी, भले ही ऊंचे वर्ग समाज वालों के साथ उठना बैठना हो, लेकिन सोच वही दकियानूसी थी, अब बेटी भी नहीं थी। जो निमित जी समझ पाते कि बेटी की पढ़ाई लिखाई के बाद भी जब उसकी शादी की बात आती है तो घर के सारे सामान, आने जाने वाले मेहमान, शादी की खर्च के बाद भी दहेज का भी पैसा जोड़ना पड़ता है, उसमें भी लड़के वालों को लगता है कि लड़की तो मुफ्त में ही लेके आए हैं। निमित जी और बिंदु जी की शादी को हुए 18 साल हो गए थे, उनका एकलौता बेटा ललित भी 12वीं पास कर कॉलेज में चला गया था। जब निमित और बिंदु जी की शादी हुई थी तब बिंदु जी के पिता ने शादी के सारे खर्च करने के साथ 12 लाख कैश, 15 भर जेवर, घर के फर्नीचर, किचन के बर्तन, निमित जी और उनके परिवार के कपड़े किए थे। लेकिन फिर भी बिंदु जी आज भी यही ताना सुनती है कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, जो इतना अच्छा लड़का मिल गया, तुम्हारे पिता तो बहुत दिमाग वाले थे इसलिए इतना अच्छा रिश्ता इतना सस्ता में निपटा दिए, भाई लड़की की तो किस्मत खुल गई, वगैरह वगैरह। खैर अगले सुबह जब निमित जी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो किसी हंसी मजाक की बात पर फिर तंज कसते हुए बिंदु जी को बोले, तेरा भाई तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, ये नहीं कि बहन को कुछ देते लेते ही रहे। हमेशा की तरह बिंदु जी चुप रही, पर पास में बैठे ललित को कभी भी अपने पिता का अपनी माँ को इस तरह तंज कसना अच्छा नहीं लगा। ये उम्र का तकाजा था जहाँ समाज सुधारने की जज्बे वाली बात होती है या अच्छी परवरिश, ये तो पता नहीं, लेकिन उस दिन कम बोलने वाला ललित अपने पिता से बोल पड़ा, तो पापा आप कौन सा बोरा भर भर कर अपनी बहनों को पहुँचा देते हो। इतना कह ललित चला गया। निमित जी अचानक हुई इस प्रतिघात से चौक और स्तब्ध हो गए। बिंदु जी भी स्तब्ध थी, लेकिन साथ में उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि उनके बेटे ने उनकी तकलीफ को समझा। उस दिन के बाद निमित जी कभी भी बिंदु जी के भाई को लेकर कोई तंज नहीं कसे, शायद बेटा ने उनके सवालों का जवाब दे दिया था। कमलेश की बेटी की शादी में जाकर लौटने के बाद निमित जी हमेशा एक ही गाना गाते, 30 लाख का दहेज मिला लड़के को, लड़के की किस्मत थी भाई। बिंदु जी निमित की मन की बात जानती थी कि उनके मन में क्या रहता है, इसलिए सुनकर असहज हो जाती। लेकिन एक दिन रात के 8 बज रहे थे, खाने के मेज पर निमित जी और ललित आ चुके थे, बिंदु जी खाना मेज पर लगा रही थी, खाना खाना शुरू हुआ, बात होते होते निमित जी की बातें फिर कमलेश के द्वारा दिया गया दहेज 30 लाख पर आ गया,
और फिर उन्होंने फिर वही रटे रटाए गाने का मुखड़ा गाए, बिंदु तुम्हें मैं सस्ते में मिल गया, अगर आज तेरी मेरी शादी की बात होती तो तुम्हें भी 40 लाख दहेज देना पड़ता। आज बिंदु जी का सब जवाब दे गया। उन्होंने कहा, कमलेश जी दहेज में सिर्फ 30 लाख कैश दिए, उसके अलावा कोई खर्च नहीं हुआ। उनका शादी का खाना, होटल का खर्च, मंडप, बाराती सब का खर्च लड़के और लड़की वालों ने मिलकर आधा आधा किया। अब हम अपनी शादी की बात करें, दहेज में मेरे पिता ने आपको 12 लाख कैश दिए, घर का सारा फर्नीचर 1 लाख, आपके और आपके घर परिवार के कपड़े 1 लाख, बारात, पार्टी, खाना, नाश्ता 2 लाख, मेरे जेवर 15 भर का सोना 7,000 भरी के रेट और मेकिंग चार्ज के साथ लगभग 1,15,000, किचन का सामान 50,000, ललित जोड़कर बता बेटा कितना हुआ, लगभग 18 लाख, ये पैसा उस समय के रेट के हिसाब से जोड़ी हूँ। अगर 18 लाख मैं सिर्फ बैंक में रख देती तो आज 18 साल बाद कितना होता, आज के हिसाब से 13% बचत के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो आज 10 लाख ब्याज, साथ में चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ लो तो टोटल लगभग 30 से 35 लाख का पैसा मेरा भी अकाउंट में आज होता। दूसरी बात ये बताओ कि दहेज शब्द आया कहाँ से? मेरे ख्याल से पहले के जमाने के लोग दिमाग से इतने संपन्न थे कि वो भी मानते होंगे कि उनकी संपत्ति में बेटियों का भी हक है। आज की सरकार बेटियों को ये हक देती है कि पिता की संपत्ति में उनका हक है, लेकिन यही हक पहले के जमाने के लोग बेटियों की शादी होने पर उसकी हक की संपत्ति उसकी शादी होने के साथ ही दे देते होंगे। यही होता है ना दहेज? ये तो आज के लोगों की मानसिकता इतनी छोटी हो गई है कि लड़के को तोप समझने लगे हैं। लड़का है तो कीमत तय कर खूंटे में बांध देते हैं। पहले के जमाने के लोग अगर ये जानते ना कि इंसान समय के साथ साथ इतना समझदार हो जाएगा तो शायद दहेज जैसा लफ्ज वो बनाते भी नहीं। तीसरी बात, अगर आज मुझे पता हो कि मेरा होने वाला पति पूरी जिंदगी सिर्फ यही एहसास कराता रहे कि जो है सो वही है, उसके सामने में उसकी पत्नी कुछ नहीं, तो यकीन मानिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। चलो खाना खाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है, 8 सालों बाद मेरा मन खाली हो गया। बिंदु जी और ललित खाना खाने लगे। ललित तिरछी निगाह से कभी अपनी माँ को देखता और कभी अपने पिता को, और निमित जी आज तो उनकी हलक से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। इतना जबरदस्त हिसाब किताब की उम्मीद तो शायद अपनी पत्नी से तो कभी नहीं की थी, लेकिन आज उनका भ्रम जरूर टूट गया था कि वो अपने पत्नी और उसके पिता को सस्ते में मिल गए। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।